हमारे मन में बड़ा विचार आया कि माँ भगवती का दरबार किस तरीके से सजेगा, किस तरीके से हम जो पूरे वर्ष की बैलेंस शीट बनाते हैं, देखा जोखा करते हैं, दादी को मनाते हैं, वो किस तरीके से करेंगे। बड़ी असमंजस की स्थिति थी, प्रशासनिक व्यवस्था के कानून की भी बहुत बड़ी कड़ाहट थी। इसी बीच के अंदर प्रदीप जी का एक नहा कि मैं घर के ऊपर ही अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, ऋषि जी के यहाँ भी मकान छोटा है, वहाँ पे भी इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं हो सकती, दादी के मंदिर में भी पाबंदियाँ थी, इसके लिए वहाँ भी कार्यक्रम नहीं हो सकता था। तो ये सुंदर आयोजन आज इनके इधर हुआ, हम ढेर सारे इनको बधाइयाँ देते हैं। सभी भक्तों को, जिन बहनों ने मंगल पाठ किया है, विश्व स्तर के ऊपर ये देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, ये जो सूचना जा रही है, टेलीकास्ट हो रहा है, सभी को हम बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। हम मंगल कामना लगभग 38,000 की तो इनके पास में लाइक आई है, रीच आई है, और अनेक संख्य जिनको ऑपरेट नहीं करना आता, लाइक नहीं करना आता, शेयर नहीं करना आता है, वो बहुत है। आपने जो पेज पे गए हो वो अलग है। इसके लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम भी इतने दादी के पर कार्यक्रम में प्रदीप जी के साथ में, उनके पूरे परिवार के साथ में इतने व्यस्त रहते थे कि हम ये चाहते थे कि ये मंगल पाठ या कार्यक्रम बिना विघ्न के संपूर्ण रूप से ठीक हो जाए, पर वो हर साल होता रहा है, वर्षों का रिकॉर्ड है। आज पूरे दिन से सुबह से व्यवस्था की गई है, गोकुल धाम के अंदर जो पूजन की व्यवस्था की गई है, इतनी सुंदर व्यवस्था जिससे प्रशासन भी नाराज नहीं, मंदिर के ट्रस्टीगण भी नाराज नहीं और भक्त भी नाराज नहीं, ऐसी व्यवस्था जो पूजन की गई है वो अच्छी है। मैं इसी अवसर के ऊपर श्री मेरा जिन्होंने भी एक मन में निश्चय किया कि दादी परिवार से मैं इतने वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, दादी के नाम का एक चैनल मैं चलाना चाहता हूँ, हमने भी उनको सजेशन दिए कि भाई आप इस तरीके से, तो शायद आज वो नाम घोषणा करें या नहीं करें, लेकिन संस्कार, दादी संस्कार, दादी भक्त का एक दादी संस्कार, तो दादी संस्कार का मैंने नाम इनको सुझाया, इन्होंने स्वीकृति दी है। तो मैं राज दीदी से प्रार्थना करूंगा कि आपने मुखारविंद से ये नाम को उद्घोषित कर एक सर्व लोकप्रिय चैनल बन जाए हमारा दादी परिवार का। ये दादी संस्कार मतलब ये इसके लिए है कि खाली भजन और कीर्तन करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ दादी का प्रोग्राम, हमारा उद्देश्य है कि समाज के अंदर संस्कारों का बीजारोपण हो, युवा वर्ग जो भटक रहा है इधर उधर होटलों के अंदर इस तरीके से, वो सब ये दादी के परिवार में आए, उनके संस्कार हो, और एक ऐसा लगना चाहिए दूर से कि दादी परिवार का भगत है या दादी संस्कार चैनल का एक प्रतिनिधि है। तो मेरा दीदी से निवेदन है, कृपया अपने नाम से, अपने मुखारविंद से उद्घोषित करें नाम को, और हम जोरदार तालियां बजा कर उसका अनुमोदन करें। नारायण नारायण। आज इस भादी मास के पावन पर्व पर इतनी बड़ी घोषणा का मुझे सौभाग्य दिया गया है, उसके लिए मैं तुलसीन भाई जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, साथ ही साथ पंसारी परिवार जी का भी। और एक छोटे से प्रसंग के साथ हम इस नाम का नामकरण करेंगे, जो एक सत्य घटना है जिसकी बाबत शास्त्रों में बहुत बार चर्चा की गई है। कि कहते हैं कि एक व्यक्ति था जिसकी बाबत, व्यक्ति नहीं कहेंगे, फकीर थे, जिनकी बाबत ये प्रसिद्ध था कि वो रोज रात को ईश्वर से रूबरू बातचीत करते हैं, आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं। एक दिन वो रास्ते से कहीं जा रहे थे, एक व्यक्ति ने उन्हें देखा और दौड़ता हुआ उन तक पहुंचा और पूछा कि बाबा ये सच है क्या कि रोज रात को आप ईश्वर से बात करते हैं? बोला हाँ करता हूँ। तो बोले जब आप रोज रात बात करते हैं तो मेरा भी एक संदेश ईश्वर को दे दीजिएगा। बोलो क्या बोलना है? बोला ईश्वर से कह दीजिएगा उसने आज तक मुझे बहुत दिया, जितनी मेरी हैसियत थी उससे अधिक दिया, जितनी मेरी कामना थी उससे अधिक दिया। तो उनसे ईश्वर से कह दीजिएगा कि अब बस हो गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए है, जिन्हें ज़रूरत है उन्हें दे दीजिएगा। संदेश पहुंचा दिया, अपना ही बात कह दी फकीर से। जब वो व्यक्ति और फकीर आपस में बातचीत कर रहे थे, उस वक्त बगल में एक भिखारी बैठा था जिसके तन पर तन ढकने के लिए मात्र एक धोती थी लपेटी हुई। वो भी झट खड़ा हो गया और बाबा से पूछा, बाबा क्या है, सच है क्या कि आपकी रोज रात ईश्वर से बातचीत होती है? बोला हाँ, रोज रात को होती है मेरी बातचीत ईश्वर से। तो बोला मेरा भी एक संदेश उन तक पहुँचा देना कि मुझे पूरे जीवन भर तूने कुछ भी नहीं दिया, कम से कम एक कपड़ा तो देता ताकि मैं अपना तन ढक लेता, तन ढकने के लिए मेरे पास कपड़े नहीं है, उस ईश्वर से कह देना।
बोले पहुंचा दूंगा संदेश। रात में फकीर पहुंचा ईश्वर के पास, आमने सामने बैठे, बातचीत हुई। फकीर ने सारी बातें ईश्वर तक पहुंचा दी। जब पहले व्यक्ति की बात पहुंचाई कि वो कह रहा है कि आपने मुझे बहुत दे दिया, हैसियत से अधिक, जितनी मेरी चाहना थी उससे अधिक मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर ने कहा, उससे जाकर कह दो कि वो मेरा आभार प्रकट करना, मेरा शुक्राना करना बंद कर देवे, मैं उसे देना बंद कर दूंगा। और दूसरे व्यक्ति के लिए कहा, जो कह रहा था कि मुझे कम से कम तन रखने तो कपड़ा दे देवे, उसके लिए कहा कि जाकर उससे कह दो कि मेरा शुक्राना, मेरा आभार प्रकट करना शुरू करे, मैं उसे दे दूंगा। फकीर पहुंचा। वही सुबह के वक्त दोनों व्यक्ति सामने खड़े थे, दौड़ते पके फकीर के पास पहुंचे। बोला, आपने हमारा संदेश ईश्वर तक पहुंचाया क्या? पहले व्यक्ति ने पूछा। बोला, हाँ मैंने पहुंचा दिया। पर ईश्वर का जवाब था कि तुम मेरा शुक्राना करना बंद कर दो, आभार प्रकट करना बंद कर दो, मैं देना बंद कर दूंगा। बोला, बाबा ये तो संभव ही नहीं है कि उसका आभार प्रकट करना बंद कर देवे, ये संभव नहीं है। यदि देना भी उसने छोड़ दिया तब भी इतना सुंदर शरीर दे रखा है, ये जीवन दे रखा है, मैं आभार प्रकट करना नहीं छोड़ सकता। फकीर का जवाब था, फिर वो भी देना छोड़ नहीं सकता। आगे दूसरे भिखारी से जाकर कहा, भिखारी ने पूछा, आपने मेरा संदेश दिया क्या? बोला, हाँ मैंने संदेश दिया। और ईश्वर का उत्तर था कि तुम शुक्राना अदा करना शुरू करो, तुम्हें मिल जाएगा। भिखारी का कहना था कि किस बात का शुक्राना करूं, आज तक उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया है, मैं शुक्राना नहीं कर सकता जब तक कि मुझे कुछ न दे। कहते हैं कि उस वक्त एक तेज हवा का झोंका आया, जो पतला कपड़ा तन पर था वो भी उड़ गया। तो आभार में वो शक्ति है कि जो आप चाहें पा सकते हैं। और बहुत सुंदर हम कहेंगे आपको, मेरा जी आपको दृष्टांत हुआ कि दादी के नाम का एक चैनल शुरू किया जाए, और नाम भी बहुत सुंदर है कि दादी संस्कार। ये नाम हाजी तुलसन जी ने सजेस्ट किया। ये ये नाम अपने आप में कह रहा है कि जो जुड़ेंगे वो संस्कारों से भरते चले जाएंगे। दादी संस्कार, बहुत बहुत बधाई भी और ढेर सारी शुभकामनाएं भी आपके इस नए चैनल के लिए। नारायण नारायण। यदि समय है तो राम राम एक किस कर लेंगे दादी के सामने इस चैनल के लिए। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम दस, राम राम ग्यारह, राम राम बारह, राम राम तेरह, राम राम चौदह, राम राम पंद्रह, राम राम सोलह, राम राम सत्रह, राम राम उन्नीस, राम राम बीस, राम राम इक्कीस। नारायण नारायण। बहुत ही सुंदर भाव, और आप इसके साक्षीकार हुए। श्री श्याम सुंदर जी पंसारी जी से निवेदन है, कृपया इस जो प्रपोजल रखा है इन्होंने नामकरण का, उसका आप अनुमोदन करें और दादी संस्कार की एक जयकार लगवा दें। बाबा जी लगा दीजिए। आज के वर्षों पहले प्रमुख स्वामी जी के पास में धर्मेंद्र जी महाराज और हम सब साथ में गए। उन्होंने सुझाव दिया प्रमुख स्वामी जी को कि स्वामी जी, जो हमारे धर्म के अंदर जो अड़चने आ रही है, हमको हमारा प्राइवेट चैनल चाहिए हिंदुओं का, और उसकी चैनल के माध्यम से हम हमारे परिवार के अंदर संस्कारों का बीजारोपण कर सकते हैं, संस्कार पेश कर सकते हैं, उनमें भर सकते हैं। तो उन्होंने प्रमुख स्वामी जी ने बोला कि बिल्कुल सही बात है, और उसके बाद में हमारे कई हिंदू चैनल वगैरह, हिंदू संस्कारों के चैनल कई बने हैं, और ये धर्मेंद्र जी महाराज ने प्रपोजल दिया था और उन्होंने प्रपोजल पास किया। बहुत बहुत उनका धन्यवाद। आवाज वही बात, आवाज सामने आ रही, वही सीन वापस आ रहे हैं। श्री श्याम सुंदर जी पंसारी दादी के भक्त हैं, उन्होंने ये प्रपोजल को मंजूरी दी है, स्वीकृति दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा जी आपको दादी के संस्कारों का पूरा लेखा जोखा रखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।